इस क्वेश्चन में वो क्या दिया हुआ था, एफ ऑफ एक्स इज 1 2x एंड 3x इनटू एक्स माइनस 1 एक्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स इनटू एक्स प्लस 1 एक्स इनटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन का जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ था हमको बताना था कि एफ ऑफ 200 की वैल्यू क्या आने वाली है। तो सबसे पहले हमको बोला हुआ है कि एक्स की वैल्यू बेसिकली 200 अगर मैं डालूँ तो मेरे पास में जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है। ठीक है, तो मैं वो सॉल्व करता हूँ। हम लोग सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स मेरे को दिया हुआ था 1 2x 3x इंटू एक्स माइनस 1, ये सबसे पहला वैल्यू। दिस इज एक्स इंटू एक्स माइनस 1 एंड द लास्ट वन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट एक्स प्लस 1, नेक्स्ट वन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 एंड द लास्ट वन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास में डिटर्मिनेंट में वैल्यू दी हुई थी पूरी की पूरी। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं सबसे पहले कॉमन निकालने की स्टार्ट करता हूँ। देखिए C2 वाली जो कॉलम है मेरे पास में, उसमें से मैं कॉमन क्या निकाल सकता हूँ, x। देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो इसमें से पूरे में से कॉमन क्या निकाल देता हूँ, x। ठीक है, नेक्स्ट C3 में से कॉमन क्या निकलेगा, x प्लस 1। देखिए x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 तीनों में x प्लस 1 है, तो बस मैं वो कॉमन निकाल देता हूँ सबसे पहले। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक बार x कॉमन निकला और एक बार x प्लस 1 कॉमन निकला, यहाँ लिख देते हैं हम लोग, टेकिंग कॉमन फ्रॉम C2, वो भी कौन सा, x एंड C3 दैट इज x प्लस 1। ठीक है, तो उससे क्या आएगा मेरे पास में वैल्यूज, ये देखेंगे। तो सबसे पहले ये तो एज इट इज रहेगा, ये जो पहला C1 है वो तो एज इट इज 1 2x एंड 3x इंटू एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा मेरे पास में 1। यहाँ आ जाएगा मेरे पास में x माइनस 1, दिस विल बी x माइनस 1 बिकॉज x कॉमन निकाल रहे हैं हम लोग, और यहाँ आ जाएगा मेरे पास में x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, लास्ट वन यहाँ पे वापस 1, यहाँ पे मेरे पास में बच जाएगा, x प्लस 1 कॉमन निकाला था तो यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास में x, और लास्ट वाले में से भी अगर x प्लस 1 कॉमन निकाल रहा था x इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब क्या क्या कॉमन निकल सकता है हमारे पास में से, लास्ट वाला अगर मैं रो देखूँ, देखिए लास्ट रो, इधर से मैं कॉमन क्या निकाल सकता हूँ, एक्स माइनस 1। ये देखिए यहाँ से एक्स माइनस 1, यहाँ पे भी एक्स माइनस 1 है, यहाँ पे भी एक्स माइनस 1 है, तो मैं कॉमन निकाल देता हूँ एक्स माइनस 1, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास में x इंटू एक्स प्लस 1 एज इट इज x माइनस 1 कॉमन। क्या बच गया मेरे पास में, आप 1, ये भी 1, ये भी 1, ये 2x, ये x माइनस 1, ठीक है, और ये x, यहाँ आ जाएगा मेरे पास में 3x, यहाँ आ जाएगा मेरे पास में x माइनस 2, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में वापस से x। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ तक तो पूरा का पूरा। अब बस हम लोग जीरो लाने की ट्राई करते हैं। क्या करूँ मैं, सबसे पहले तो ये 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, बस तो वो दो जीरोस लेकर आ जाते हैं हम लोग। किस तरीके से लेकर आएंगे, C1 टेंड्स टू C1 माइनस C3, पहला जीरो लाने के लिए मेथड, और दूसरा C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3। ठीक है, मैं दो जीरोस लेकर आ रहा हूँ बस यहाँ पे। अब तो ये आ जाएगा मेरे पास में एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 एज इट इज, दो जीरोस, देखिए C1 और C2 चेंज होगा तो ये जीरो। ठीक है, दिस विल बी 2x माइनस एक्स, C1 माइनस C3 मतलब 2x माइनस एक्स, नेक्स्ट वन 3x माइनस एक्स। ठीक है, ये जीरो वापस है, ये वाली जीरो, 1 माइनस 1, नेक्स्ट x माइनस 1 माइनस एक्स एंड नेक्स्ट x माइनस 2 माइनस एक्स। ठीक है, ये 1, ये x और ये x। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा सा बस, तो x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 एज इट इज, आगे क्या बच जाएगा मेरे पास में, ये जीरो, ये x और ये भी x, सॉरी ये 2x, ये x, तो ये 2x। ठीक है, ये जीरो, ये x और x कैंसिल हो रहा है यहाँ से मेरे पास में, ये आ जाएगा मेरे पास में माइनस 1, ये x और x कैंसिल हो रहा है यहाँ से मेरे पास में, ये आ जाएगा मेरे पास में माइनस 2, ये 1, ये x और ये भी x। ठीक है, तो बस मैं इसके अलॉन्ग में ओपन कर लेता हूँ, एक्सपांडिंग अलॉन्ग R1। ठीक है, तो R1 के अलॉन्ग में ये जीरो, ये जीरो, और ये आएगा 1, मतलब ये आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 एज इट इज, 1 इंटू, मतलब अब क्या करेंगे हम लोग, मैं ये वाला पार्ट भूल जाऊंगा, ये और ये हटा देंगे हम लोग, तो 1 इंटू एक्स 2x माइनस 1 एंड माइनस 2। ठीक है, तो अब इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग, तो x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 एज इट इज, दिस इज माइनस 2x, दिस इज माइनस 2x माइनस ऑफ माइनस 2x, यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे डिटर्मिनेंट ओपन करने में बिल्कुल भी। तो देखिए ये क्या होगा, प्लस 2x माइनस 2x, तो ये वैल्यू तो जीरो, टोटल वैल्यू दिस इज जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, मतलब f ऑफ x की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट आ रही है, दैट इज जीरो। ठीक है, तो f ऑफ 200 क्या होगा, f ऑफ 200 विल बी जीरो, x की वैल्यू कुछ भी डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे, हमेशा ही जीरो। ठीक है।